काशीनाथ से आ फतेहपुर फतेहपुर ग्राम फतेहपुर। क्या मामला है बताएंगे सर? जी सर मैं घर नहीं थे, मैं तो लखनऊ के चट्टी पर थे, तो भाई से फ़ोन किए कि ऐसी बात है कि बिटिया की तबीयत खराब है। मैंने बोला कि चलिए ठीक है, क्या दिक्कत है? बोले कि ब्लड आ रहा है और चूड़ा लग रहा है, तो बोले कि सर हॉस्पिटल ही चली इमरजेंसी में। तो मैंने तो ले आया तो डॉक्टर साहब बोले कि ऐसी बात है, इसको कोई दिक्कत है। मैंने सर सर पूछा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं जान रहा हूँ उसके बारे में। डॉक्टर साहब बच्ची से पूछी, फोन बच्ची बताओ क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, कोई गलत का पसाव काम किया है? कहते कि नहीं। फिर डॉक्टर नहीं कोई काम किया है, बताइए क्या परेशानी है? तो बोले कि शाम को मैं गया था बहरी, वो जबरनियन एक लड़का था और वही मेरे साथ गलत काम किया है। अब डॉक्टर साहब मुझे पूछे तो मैं कहा मैं जान नहीं रहा हूँ, मत मेरे घर था ही नहीं, मेरे भाई साहब फ़ोन किए तो मैं आया, तो मैं क्या जानता हूँ इसके बारे में सर। अब आप ही देख लीजिए जो हो इसको बताइए, अगर नहीं गलत काम हुआ है इसको ले जाइए लेडीज हाली में। तो लड़का पत्नी को कराने वाला है। लड़की का एज क्या है? 11 वर्ष पड़ती है। लड़का जो है किस गांव का रहने वाला है? फतेहपुर का सर, ग्राम फतेहपुर। इस बारे में सूचना दी पुलिस को आपने? हाँ सर, यहीं पर वही डाउट है सर, सूचना दी शाम को। तो लड़की क्या करने गई थी बाहर, घर से बाहर गई? बाथरूम करने गई थी। बाथरूम करने के लिए जबरदस्ती पकड़ लिया उसने। एक 11 साल की लड़की है जिसके साथ बलात्कार की घटना हुई है। ये लड़की रहने वाली थाना फेफना क्षेत्र में है, तो उसकी कंडीशन अभी स्टेबल है, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। और उनके पिता जैसे भी तहरीर देंगे उस पर विधिक कार्रवाई होगी। उस लड़की ने इस घटना को कारित करने वाले व्यक्ति का नाम भी बताया है, उसकी भी तलाश जारी है। मैम 200 से अधिक मामले बलिया में दर्ज हुए रेप के और रेप या छेड़खानी लेके गए, बढ़ती हुई घटनाएं क्या बता रही हैं? मुझे लगता है कि बढ़ती हुई घटनाओं में समाज को भी चिंता करनी है, क्योंकि ये अकेले पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बन पाएगी। तो समाज को भी सोचना पड़ेगा कि इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं, और माँ बाप को भी बेटों को बड़े करते समय इस समय जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, उनको ज़िंदगी की कुछ बातें समझानी पड़ेंगी। ये मेडिको लीगल के लिए पूछ रहे हैं, ऐसे ये तो गोपनीय है, हम लोग करके रख दिए हैं। प्रकरण है कि वो उसको खून गिर रहा था, खून गिरते हुए वो भर्ती हुई है, जैसा वो बता रही है कि वो 11 ईयर्स की है। अभी तो मेडिको लीगल अभी जाएगी, सारा जांच होगा तब ना पता चलेगा एग्जैक्ट एज क्या है। फतेहपुर फेफड़ा का, अब तो सारा जाँच होगा अंडर एनेस्थीसिया, उसके बाद ही कुछ पता चलेगा। पानी वानी चढ़ रहा है, पैकिंग हुई हुई है, स्टिचिंग हुई है, अभी स्टिचिंग अभी पानी हो रहा है, जो इलाज जो उचित है वो समुचित इलाज उसको चल रहा है अभी अभी, और कुछ हम इसके बारे में नहीं बता सकते। Thank you.